फ्रेंड्स जय हिंद वेलकम टू 172 क्लासरूम द वे ऑफ सक्सेस। तो फ्रेंड्स फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको प्रीवियस वीडियो कही रखी ओडिशा पुलिस कनेस्टेबल कम्युनिकेशन नोटिफिकेशन आसबार अच्छे एंड ऑलरेडी टुडे एटा आउट हो सारी ऑफिशियली। ओके तो ऑफिशियली डिक्लेयर हो सारी ऑफिशियल कौन रही फ्रेंड्स चलो देखिए वीडियो ऑफिशियल कौन कौन सब अनाउंसमेंट होती है एंड कौन कौन सब क्राइटेरिया रही। तो फ्रेंड फर्स्ट ऑफ ऑल आपर एप्लीकेशन स्टार्ट हो सारी आज ठीक जहाँकि 13/9/2021 एंड आर लास्ट डेट सबमिशन ऑफ लास्ट डेट रही 4/10/2021 मतलब कि 4 अक्टोबर पर्यटन आप अप्लाई करेंगे एंड पेमेंट कर लास्ट डेट रही 4/10/2021। फर्स्ट ऑफ ऑल डेट जहाँ आप डाउट थी क्लियर हो सारी नेक्स्ट चलो देखिए नेक्स्ट रही आपर वैकेंसी। ओके तो वैकेंसी रही टोटल नंबर ऑफ 244 मुझे फर्स्ट ऑफ ऑल कही सारी 244 पोस्ट आसबार अच्छी एंड एससीबीसी रही 23 एससी रही 42 एंड एसटी रही 67 एंड यूआर रही 112 मतलब कि 112 पोस्ट आप टोटल 244 पोस्ट ताद्वे एक्स सर्विस मैंने 7 रिजर्वेशन रही एंड ग्रुप डी जो मैंने अलरेडी अच्छा जब्रे से 10 वैकेंसी रही एंड स्पोर्ट्स पर्सन 2 वैकेंसी जहाँकि यहाँ आपर स्पेशलाइज्ड। ओके देन आप देखते एज क्राइटेरिया कौन रही है एजुकेशनल क्वालिफिकेशन कौन रही एंड देखो पे बैंड। ओके सेकंड थिंग हो पे बैंड आप पे स्केल रोच 5200 एंड ग्रेड पे जीपी जो रोच आप 2000 तो टोटल ऊपर 7200। ओके 7200 आप सैलरी नेक्स्ट आप इनक्रीमेंट आ टीए डीए मिसाला पर फास्ट फास्ट मान मतलब कि आप जब पाला फास्ट इयर पाइबे 9000 देन इनक्रीमेंट आज वेल लगे चलो। ओके तो सेकेंड ईयर थर्ड ईयर फोर्थ ईयर आप देखिए स्क्रीनशॉट नहीं जानपर मैं सैलरी के पाए एंड सिक्स्थ ईयर आफ्टर सिक्स्थ ईयर आप 14500 देन सिक्स्थ ईयर पर कंट्राचुअल बेसिस उठा रेगुलर देन आप रेगुलर सैलरी मिल जाए। ओके नेक्स्ट रही एज। ओके एज क्राइटेरिया भितर आप रही 1 January 2021 तो यहाँ गोटे बहुत बड़ नेग्लेक्सेंस बाय मैंने ओडिशा पुलिस देखते ओएसएस देखते 1 January 2021 सबुति 1 August 2021 नहीं होता जब नोटिफिकेशन आसू काउंट कर ओडिशा सेमती हुए ना। तो फर्स्ट ऑफ ऑल 18-23 आप जहाँ नोटिफिकेशन रही 18-23 आप जनरल कैटेगरी एंड जो मैंने एससीबीसी एससीएसटी रही 5 ईयर रिलैक्सेशन मतलब कि आप जब एससीबीसी कैटेगरी बिलंग्स कर 28 ईयर होते अप्लाई करेंगे। ओके नेक्स्ट आप रही एजुकेशनल क्वालिफिकेशन। ओके क्वालिफिकेशन आप फर्स्ट ऑफ ऑल जो मैं डाउट था आर्ट्स पिला एर अप्लाई करेंगे कि ना तो फ्रेंड्स समस्त को रखिए एर आर्ट्स पिला जमारू अप्लाई करेंगे ना इट्स ओनली फॉर साइंस स्टूडेंट्स जो मर कि फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स और स्टैटिस्टिकल कंप्यूटर साइंस जो कि आईटी। ओके तो ये सब आप सब्जेक्ट थी दरकार कंपलसरी तो कह गले टोटली ऊपर साइंस पिला ही अप्लाई करेंगे अदरवाइज जो मैंने कम आईटी रे करते किंबा डिप्लोमा 3 ईयर क्रोस करते जैट आईटी। ओके नॉट कि डिप्लोमा अलग कौन कोर्स कल हेनी जहाँकि इंजीनियरिंग सब्जेक्ट किंबा डिप्लोमा इन आईटी। ओके तो आईटी करथिबा दरकार सब्जेक्ट रही है से मैंने ही अप्लाई करेंगे आर्ट्स पिला जमा रहे अप्लाई करेंगे ना फर्स्ट ऑफ ऑल ये डाउटा समस्ते क्लियर हो जातु। ओके नेक्स्ट रही जनरल एलिजिबिलिटी जहाँ फिर फ्रेंड्स आपड़ा गोटे सिटीजन ऑफ इंडिया होता दरकार ओडिया लांगुएज रही है जो ओडिशा पुलिस ओएसएस जहाँ क्राइटेरिया था जनरल एबिलिटी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया समस्त से ही सेम प्रोसेस ये। ओके ये किसी जानवा आवश्यक नहीं देन डॉक्यूमेंट्स जो मैंने डॉक्यूमेंट्स समस्त जानते जो मैंने एससी एससी किंबा एसटी किंबा एबीसी अप्लाई करते एखे एससी एसटी किंबा एबीसी सर्टिफिकेट रहा दरकार प्लस टू सर्टिफिकेट रहा दरकार 10th पास तो एंड डेट ऑफ बर्थ आज 10th। ओके डेट ऑफ बर्थ आपर 10th बर्तमान काउंट करा तो 10th सर्टिफिकेट रही दरकार प्लस टू साइंस सर्टिफिकेट दरकार कि आप जब डिप्लोमा करते सर्टिफिकेट रही दरकार। ओके फ्रेंड्स देन फ्रेश एससीबीसी दरकार। ओके नॉट कि 5 वर्ष तल रहा चलो ना फ्रेश एससीबीसी सर्टिफिकेट थी दरकार देन आप एग्जामिनेशन फी। ओके फ्रेंड्स तो एग्जामिनेशन फी 220 आप एग्जामिनेशन फी जोटा कि आप देखते गोटे जिनस वन टाइम मत आप पेमेंट कर देन सेकेंड टाइम आप पेमेंट करूँ ना 24 आवर वेट करूँ अपडेट हवा पर्यटन बिकज अफ जब सेकेंड टाइम आप पेमेंट करुँच तो क्लीयरली ये मेनसन हो कि आपण जदि डबल पेमेंट ओडिशा पुलिस आपको रिफंड करिबो नाही तो सो मनी जमार वेस्ट करूँ ना 24 आवर कि 44 आवर आप वेट करूँ वेट कलापर से अटोमेटिक अपडेट होंड सिस्टम आपर पेमेंट सक्सेस लिख फास्ट डाउट यहाँ क्लीयर हो जातु। ओके नेक्स्ट तुम रही अप्लाई केमी करेंगे। ओके तो अप्लाई करा पूर्व कह रखे फ्रेंड्स ये टोटाली ऑनलाइन एंड ऑनलाइन आपर सीबीडी एग्जाम हो जाए एंड मुझको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दीजिए आप लिंक में जाए डायरेक्ट क्लिक करूँ एंड डायरेक्ट अप्लाई करूँ जहाँ जहाँ अप्लाई प्रोसेस नेक्स्ट वीडियो दे दूँ डिस्क्रिप्शन में लिंक रही है आप देखिपारे। ओके देन रही एग्जाम पैटर्न। ओके
तो एग्जाम पैटर्न कही रखी फ्रेंड्स, आपर एग्जाम दुटा पार्ट रोचे गोटे पार्ट वन एंड पार्ट बी। पार्ट वन आप 24-25 मार्क्स एंड पार्ट बी 75 मार्क्स। ओके, पार्ट वन आप टोटाली जमी आप सब एग्जाम दूसरी तो मिक्स क्वेश्चन ओडिया लांगुएज, इंग्लिश लांगुएज, आरिथमेटिक, एप्टीट्यूड टेस्ट एंड लॉजिकल रीजनिंग रहा 25 मार्क्स ओनली। ओके, देन 75 मार्क्स आपर आस कंप्यूटर क्वेश्चन एंड फिजिक्स एंड कंप्यूटर साइंस का प्लस टू स्टैंडर्ड फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी एवरीथिंग रु 75 क्वेश्चन। मतलब कि आपको फिजिक्स रे बहुत फोकस करने पड़ो, प्लस टू फिजिक्स कि कंप्यूटर नॉलेज हो आप सब विषय प्लस टू लेवल क्वेश्चन विषय फोकस करेंगे जहाँकि आरियांट फॉलो करेंगे। ओके, 75 क्वेश्चन से ही तो आप 75 उपर फोकस करूँ, नॉट अदर दैन कि 25 उपर फोकस करेंगे। ओके, तो रीजनिंग नॉर्मल आसो, मैथमेटिक्स नॉर्मल आसो, इंग्लिश नॉर्मल, तो ये सब जिन किसी देखिए आवश्यक पड़ोन आई थिंक। सो आपने प्लस टू लेवल फिजिक्स केमिस्ट्री कंप्यूटर आईटी यही सब विषय में बहुत ध्यान दिवत से ही 75 मार्क क्वेश्चन आस जोटा कि आपठी सिलेक्शन नहीं पारे। ओके, तो आप जापरले कि आपर कौन रही रिटन टेस्ट क्राइटेरिया के मार्क क्वेश्चन आसो ए फ्रेंड्स नेगेट मार्किंग रही। ओके, फास्ट अफ अल यहाँ गोटे डाउट कि आपगेट मार्किंग रही ना नहीं, नेगेट मार्किंग रही है 0.25 मार्क। मतलब कि चारोट क्वेश्चन में गोटे क्वेश्चन में आप 0.25 मार्क्स नेगेट मार्किंग रही है एंड नुआ ये गोटे नुआ जिनस एड हो नर्मालाइजेसन। ओके फ्रेंड्स, तो फास्ट ऑफ ऑल ओडिशा पुलिस नॉर्मलाइजेशन होबा पई जाउची। सो आपण माने एक्यूरेसी रिजल्ट आने पर ट्राए करूँ, एक्यूरेसी आंसर दिंतु, नॉट कि ढाबा मारिकी आसतु ना। तो नॉर्मलाइजेशन अच्छी माने आपण माने जितकी एक्यूरेसी क्वेश्चन आंसर देवे से अनुसार आप नॉर्मलाइजेशन मार्क बढ़ो, तो से जमार ओरी हूँ ना जितकी आसूस से करूँ। ओके, नेक्स्ट आप देखो लिंक तो मुझे डिस्क्रिप्शन रे किसी डाउट होबार ना, डायरेक्ट लिंक रे आप क्लिक करूँ। देन एट नॉर्मलाइजेशन कही नॉर्मलाइजेशन एट पूरा डायरेक्ट लिखा है कि नॉर्मलाइजेशन होबार अच्छे सीबीटी एग्जाम पाई का। देन आप देखो फिजिकल स्टैंडर्ड जो मैंने डाउट था फिजिकल स्टैंडर्ड 168 सेमी आप हाइट रही, वेट रही 55 एंड चेस्ट रही 79 एंड एक्सपैंड पर 84। ओके, जो मैंने SC/ST बिलंगस कर ओमेन पाई रही आप 158 हाइट रही एंड 47.5 वेट रही, चेस्ट तो नॉन एप्लीकेबल। ओके, देन SC/ST 163 सेम एंड SC/ST ओमेन 153। ओके, तो आई थिंक समस्त क्लियर है। फिजिकल आप 1.6 किमी रनिंग रही 7 मिनिट रे एंड ओमेन कैटेगरी 1.6 किमी रही 9 मिनिट रे। ओके फ्रेंड्स, आई होप कि समस्त फिजिकल रिलेटेड जहाँ भी डाउट था क्लियर है, आउ कि भी ना आप देखो सिलेक्शन प्रोसेस कौन रही 1:3। ओके, 1:3 मतलब कि गोटे पोस्ट पाई सीबीटी आफ्टर सीबीटी फिजिकल 1:3 रे ही से काउंट करके नब। सो से अनुसार बी प्रिपेयर फॉर रिटन एग्जाम। ओके, आपणकर 1:3 मतलब यदि आम 112 पोस्ट रही नर्म युअर पाई तो 1:3 मतलब 336 पिला से ही नब फिजिकल पाई, आउ अधिक पिला नब ना। सो बहुत क्विकली एग्जामिनेशन प्रोसेस हे, आपर एग्जामिनेशन डेट दे दीजिए आप कही रखी, तो जल्दी से अनुसार प्रिपेयर करूँ। ओनली 2 मंथ्स आपके रहा, तो प्रिपेरेसन करने चैनल सहित जोड़ रुंतु, चैनल सहित जोड़ी रहा आप कौन करा दरकार आप समस्त जानते मुझे कहने चाहूँ। ओके फ्रेंड्स, तो चैनल को सब्सक्राइब कर दिखाँ जल्दी जल्दी एवं। देन आपर एडमिट कार्ड देखते जेहतु नवेम्बर एग्जाम हो रही, सो आई थिंक अक्टोबर लास्ट विक्रे आप एडमिट कार्ड आसीजी जमार ओरीड हूँ ना, तो वेट करूँ एंड प्रिपेरेसन जारी रखु। देन एवरीथिंग आई थिंक सब किसी क्लियर हो जाए, जहाँ किसी डाउट रोचे तो आपने डायरेक्टली मतलब कमेंट करेंगे, कमेंट में रिप्लाई देदेवी। ओके फ्रेंड्स, आई होप सब किसी क्लियर करदेली एंड जो मैंने प्रिपेरेसन आप्लाई कर प्रोसेस जाना चाहते पुणी एक नुआ भिडियो आपको नहीं आप्लाई कर प्रोसेस कौन कौन आप्लाई कौट कौन लिखा दरकार। तो टिल देन बाय बाय, टेक केयर, स्टे ट्यून, जय हिंद।